सोलन शहरवासियों में बेहद खुशी देखी जा रही है क्योंकि सोलन डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र डॉक्टर आर एन बत्ता ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सलाहकार और प्रधान निजी सचिव बनकर सोलन का मान बढ़ा दिया है। इस मौके पर नगर परिषद सोलन के पूर्व अध्यक्ष कुल राकेश पंत और सोलन व्यापार मंडल के महासचिव मनोज गुप्ता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सोलन वासियों के लिए बेहद हर्ष का विषय है कि सोलन के डॉक्टर आर एन बत्ता को बहुत बड़ी जिम्मेवारी के लिए नियुक्त किया गया है और उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह से वे पहले आईएएस बनकर अपनी सफल सेवाएं देते आए हैं, अब सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। खुशी जाहिर करते हुए नगर परिषद सोलन के पूर्व अध्यक्ष कुल राकेश पंत और सोलन व्यापार मंडल के महासचिव मनोज गुप्ता ने कहा कि समूचा सोलन बेहद खुश है और इस मौके पर डॉक्टर आर एन बत्ता को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सलाहकार और प्रधान निजी सचिव बनने पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति से अब सोलन को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए एक और अनुभवी व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। सभी सोलनवासी उनके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं और ये आशा करते हैं कि वे पहले से भी बेहतर अपनी सेवाएं देंगे और सोलन का नाम रोशन करेंगे। मैं कुल राकेश पंत, पूर्व प्रधान म्युनिसिपल काउंसिल सोलन, आज हमारे लिए, समस्त सोलन निवासियों के लिए बड़ा खुशी का समय है कि कल ही सोलन के वासी जो है डॉक्टर आर एन बत्ता, जो कि आईएएस से अपनी सेवाएं उन्होंने पूरी कर ली हैं और सेवानिवृत्ति के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने उनको अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है और प्रधान निजी सचिव के तौर पर भी उनको नियुक्त किया है। श्री आर एन बत्ता जी सोलन में ही पढ़े, मेरा परम सौभाग्य ये भी है कि वो भी पीजी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोलन के छात्र रहे हैं। मैं ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन पीजी कॉलेज सोलन के प्रधान होने के नाते भी हृदय से उनको बधाई देना चाहता हूँ और समस्त सोलन में इस खबर को सुनने के बाद बड़ी खुशी की लहर है और हम लोगों को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सोलन की उन्नति के लिए अब हमें एक और आशीर्वाद देने वाले लोग भी मुख्यमंत्री के कार्यालय में मिल गए हैं। उनके मंगलमय भविष्य के लिए समस्त सोलन वासियों की तरफ से हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं और पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। सोलन के निवासी डॉक्टर रविंद्रनाथ बत्ता, जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार बने हैं और प्रधान निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं, इस क्योंकि वो सोलन के निवासी हैं और अभी ही हाल फिलहाल ही आईएएस में अपनी सर्विस से रिटायर हुए हैं और साथ के साथ एक महत्वपूर्ण पद पर हिमाचल प्रदेश में उनकी नियुक्ति की गई है, पूरे सोलन के अंदर बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी की लहर है और हम आशा करते हैं कि सोलन के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि सोलन भी उनकी नियुक्ति के बाद निकट भविष्य में अच्छी प्रगति के लिए अग्रसर होगा और हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनके भविष्य के लिए उनके बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं।